आप देख सकते हैं इतने चैप्टर्स हैं जो कि हमको केमिस्ट्री में पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर को हम बाद में समझेंगे, पहले हम ये समझते हैं हमारे एनवायरनमेंट में कितने टाइप्स के चेंजेस होते हैं। तो दो टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज होती है, टेम्परेरी होता है और रिवर्सिबल होता है। जैसे आइसक्रीम का मेल्ट होना, आइसक्रीम को अगर हम दोबारा से फ्रीज कर देंगे तो दोबारा से वो वैसे ही बन जाएंगी, तो ये एक फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, उसका कलर भी चेंज हो सकता है, उसकी स्टेट भी चेंज हो सकती है, ठीक है, उसका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है और नया एक सब्सटेंस बनता है जो कि पुराने सब्सटेंस से बिल्कुल ही अलग होता है और इरिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंज ये दोबारा से उस सब्सटेंस में नहीं बन सकता है, सारे इरिवर्सिबल नहीं होते हैं, बहुत ही कम केमिकल चेंज होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं। केमिकल चेंज को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ही केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो अब केमिकल रिएक्शन को हम जब फॉर्मूले और सिंबल्स की हेल्प से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन में हमें 5 चीजें देखने को मिल सकती है। फर्स्ट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है, सेकंड गैस इवॉल्व हो सकती है, थर्ड कलर चेंज हो सकता है, फोर्थ स्टेट चेंज हो सकता है और फिफ्थ टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। अभी हम पढ़ के आए हैं जब केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल्स और फॉर्मूले के हेल्प से लिखते हैं तब हम उसे केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो केमिकल इक्वेशन में कुछ चीजें होती हैं जैसे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अगर घर के एग्जांपल से बात करें, अगर हमें चाय बनानी है तो मिल्क लेना पड़ेगा, चायपत्ती लेनी पड़ेगी, शक्कर लेनी पड़ेगी, तो वो जो चीज है, जो चीजें हम ले रहे हैं इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। और जो चीज हमारी बन रही है, हमारी चीज क्या बन रही है, चाय बन रही है, उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे। तो रिएक्टेंट हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है और वहीं अगर प्रोडक्ट की बात करें तो फिर वो राइट हैंड साइड पर लिखा जाता है। ये एरो की बात करें तो ये एरो ये सिंबलाइज करता है कि इतने रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बन रहा है। कभी कभी हमें ये एरो भी देखने को मिलती है, इसका मतलब है कि वो केमिकल इक्वेशन रिवर्सिबल है। अब हमें कभी कभी केमिकल इक्वेशन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, जैसे कि उसको हीट किया जा रहा है, उसको कितनी डिग्री पर टेम्परेचर दिया जा रहा है, ठीक है, वो एटमोस्फेयरिक प्रेशर, ये सब चीजें देनी पड़ती है। तो हीट के लिए हम केमिस्ट्री में ये सिंबल यूज करते हैं और ये इस एरो के ऊपर लिखी जाती है, और जितना भी टेम्परेचर हमें देना होता है वो इसके ऊपर या नीचे हम लिखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। कभी कभी हमें केमिकल इक्वेशन में ये भी बताना पड़ता है कि वो जो सब्सटेंस है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। तो अगर वो गैस होती है तो हम छोटा सा जी उसमें बना देते हैं इस टाइप का, जैसे कि अभी आप एग्जांपल में भी देख रहे हो, इस टाइप की चीजें करके हम इंफॉर्मेशन उसमें दे देते हैं। केमिकल इक्वेशन में जो आपको एक बात जाननी जरूरी है, जैसे कि H2SO4, यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 का मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स 2 है, यहाँ पे सल्फर एटम्स 1 है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी डिजिट नहीं लिखी हुई है, और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स 4 है, ठीक है। अब कभी कभी आपको ऐसे भी देखने को मिलता है 5H2SO4, इसका मतलब 5 की टेबल आप 2 टाइम्स पढ़ोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो हाइड्रोजन के 10 एटम्स है, सल्फर के 5 है क्योंकि सल्फर के नीचे कुछ नहीं होता है, तो 1 होता है, मैथ्स में पढ़ के आया हूं ना, तो 5 को तो 1 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा। अब 5 को जब 4 टाइम्स में आप मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, इसका मतलब ऑक्सीजन के 20 एटम्स है। तो बैलेंसिंग में हम यही चीजें देखने वाले हैं, जितने भी एटम लेफ्ट हैंड साइड पे होने चाहिए उतने ही राइट हैंड साइड पे होने चाहिए। तो मुझे नहीं पता आपको बैलेंसिंग आती है या नहीं आती है, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको मेथड बता रही हूँ वो मेथड से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पक्का से आ जाएगा बैलेंसिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स हैं उसी अकॉर्डिंग हम एक टेबल को डिवाइड कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे हम रिएक्टेंट वाली साइड पे लिखेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट वाली साइड पे लिखेंगे। तो अब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड पे जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उतने एटम्स लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे Fe में 1 एटम है तो फिर 1 लिख देंगे, H2 में 2 एटम है तो लिख देंगे, ऑक्सीजन के पास 1 ही एटम है तो 1 लिख देंगे, प्रोडक्ट के साइड पे 3 Fe है मतलब 3 एटम्स हैं, और यहाँ पे O4 है तो 4 एटम्स है ऑक्सीजन के और 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, तो लिख देंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखो तो सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें जो करना है वो Fe को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो फिर ये 3 हो जाएगा, मतलब कि बैलेंस हो जाएगा। हाँ भाई, तो हम यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 Fe, Fe का काम खत्म, Fe बैलेंस हो चुका है। अब आपको जो कुछ भी करना है कि H2O में करना है, तो यहाँ पे O4 है, हम यहाँ पे H2O4 तो लिख नहीं सकते क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला H2O का नहीं होता है, ठीक है, H2O हमें वाटर बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि ये 4 हम इधर लिख देंगे, ये 4 जब हम इधर लिखेंगे तो इससे क्या होगा, 4 तो ऑक्सीजन हो गया, लेकिन एक चीज हमारी इंबैलेंस हो गई, वो क्या है,
अभी तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस था, लेकिन अब क्या हो गया, 4 को जब हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो रिएक्टेंट के साइड पे कितने हाइड्रोजन हो गए भाई, यहाँ पे तो 8 हो गए, तो अब यहाँ पे हमको हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो यहाँ पे भी हम 4 लिख देंगे, तो 4 को जब 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करके बैलेंसिंग करनी है। आई होप आपको समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। एक शॉर्ट वीडियो या फिर एक छोटी सी वीडियो आप जरूर डालूंगी बैलेंसिंग के ऊपर। और जैसे कि आप ये देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, बैलेंस आपको करके लाना है। अब केमिकल रिएक्शन भी कई टाइप्स के होते हैं, तो एक एक करके हम वो पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट सब्सटेंस मिलते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उन्हें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जब एक सब्सटेंस टूटता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में, तब हम उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जब हीट के थ्रू टूटा जा रहा है वो सब्सटेंस। इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जब इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू एक सब्सटेंस को तोड़ा जा रहा हो। फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सनलाइट के थ्रू एक सब्सटेंस को तोड़ा जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको लर्न होने चाहिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो कौन सा एलिमेंट है जो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, उसकी जगह लेगा? रिएक्टिव एलिमेंट। यहाँ पे आपको रिएक्टिव सीरीज दिख रही है, लेकिन अभी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो Zn है, ये CuSO4 को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि Zn ज्यादा पावरफुल है Cu से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो मेटल्स के सॉल्ट रहते हैं और वो दो मेटल्स एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। एसोसिएशन रिएक्शन में भी वही चीज है, एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जाता है। लेकिन डीकम्पोजिशन और डिसोसिएशन रिएक्शन में एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि डिसोसिएशन रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, मतलब दोबारा से उसी सब्सटेंस में बन सकता है, लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट की एब्जॉर्प्शन हो रही हो, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट की इवोल्यूशन हो रही हो, हीट इवॉल्व हो रही हो। कोल का बर्न होना, जब कोल बर्न होता है तब हमें हीट देता है, जिसका मतलब है बाहर निकालना। तो एक्स मतलब वो क्या निकाल रहा है, वो बाहर निकाल रहा है किस चीज को, हीट को बाहर निकाल रहा है। और इंडो मतलब लेना, अंदर लेना, ठीक है, तो वो हीट को अंदर ले रहा है, मतलब अगर हीट उसको जब तक नहीं मिलेगी तब तक ये रिएक्शन होगा ही नहीं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इतनी चीजें हो सकती हैं, O2 का एडिशन हो सकता है, H2 का रिमूवल हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो सकता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो सकता है। तो यहाँ पे O2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे H2 रिमूव हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है। रिडक्शन सेम ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है, इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होता है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा होता है, जैसे यहाँ पे Cl3 है और यहाँ पे Cl2 है, तो फिर एक जो है रिमूव हो रहा है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा होता है। रिडॉक्स रिएक्शन, जब एक रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होता है, उसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि इस रिएक्शन में देखो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो ये एक रिडक्शन का एग्जांपल है, और यहाँ पे H2 में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये एक ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस को और भी ज्यादा तेज करते हैं, और वही उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो कि रिडक्शन प्रोसेस को और भी ज्यादा तेज कर रहे होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हम एसिड और बेसिस पढ़ेंगे। एसिड सावर होती है टेस्ट में, मतलब आपने कभी नींबू खाया है, नींबू क्या होता है, खट्टा होता है, राइट? तो नींबू के अंदर भी एसिड होती है, सिट्रिक एसिड। और एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में चेंज होता है। ब्लू लिटमस, अब लिटमस क्या है ये हम आगे इंडिकेटर वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। बेस का बिटर टेस्ट होता है, ये रेड लिटमस से ब्लू लिटमस चेंज होता है। अब जब एसिड पानी में डाला जाता है तो फिर वो H+ आयन देता है और बेसेस OH- आयन देता है। सारे बेसेस पानी में नहीं सोल्यूबल होते हैं, कुछ बेसेस ही होते हैं जो पानी में सोल्यूबल होते हैं, जिनको हम एल्कली बोलते हैं। तो जितने भी एल्कली होते हैं वो सारे बेसेस होते हैं, लेकिन सारे बेसेस एल्कली नहीं होते हैं, कुछ वाटर सोल्यूबल बेसेस ही एल्कली होते हैं, जैसे कि NaOH एक एल्कली है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स,
एसिड्स और बेस का हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, मतलब वो पाया कैसे जा रहा है, वो ऑर्गेनिक मतलब नेचर से पाया जा रहा है या फिर इनऑर्गेनिक, उन्हें लैब में बनाया जा रहा है। तो ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल, जितने भी फ्रूट से हमें एसिड्स मिलते हैं वो सारे हो जाएंगे CH3COOH, और इनऑर्गेनिक का जितने भी लैब में एसिड्स बनते हैं HCl, H2SO4, HNO3, और ऑर्गेनिक बेसिस पिरिडिन जो कि डीएनए में होता है, हमारे अंदर होता है। इनऑर्गेनिक बेस होता है NaOH जो कि लैब में बनाया जाता है। स्ट्रेंथ, वो एसिड या फिर बेस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कितना ज्यादा वीक है। तो इतना बात याद रखो कि जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं। यही चीज आपको बेसिस में करनी है, इनऑर्गेनिक बेस स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और ऑर्गेनिक बेस वीक बेस होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने पिरिडिन नहीं डाला है, बट वीक बेसिस में आप पिरिडिन लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन, वही कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। कंसंट्रेशन मतलब वो कितना ज्यादा सोल्यूशन गाढ़ा है, ठीक है, उतना ज्यादा प्योर है। अगर एकदम से उसमें सिर्फ HCl है तब तो वो कंसंट्रेटेड HCl कहलाएगा, लेकिन अगर उसमें बहुत ज्यादा पानी मिला हुआ है, थोड़ा पानी भी मिला हुआ है, तब उसे डाइल्यूट HCl कहेंगे। सेम चीज बेसिस में भी है। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं वो सॉल्यूशन एसिड है या फिर बेस है। मतलब अगर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं पता है कि वो एसिड है या फिर बेस है, तब हम एक इंडिकेटर ले लेंगे, मान लो लिटमस ले लिया है, ठीक है, और वो हमें बता देगा अपना कलर चेंज करके कि वो एसिड है या फिर बेस है। तो तीन टाइप के इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जैसे कि लिटमस, ये एसिड में अपना रेड कलर देता है और बेसिस में ब्लू कलर। मतलब अगर लिटमस एसिड में जा रहा है तब उसका कलर रेड हो जाएगा और बेसिस में उसका कलर ब्लू हो जाएगा। रेड कैबेज एसिड में रेड कलर देगा, बेसिस में ग्रीन। हाइड्रेंजिया प्लांट की जो लीव्स होती है फ्लावर की, वो एसिड में ब्लू कलर देगी, बेसिस में पिंक। टर्मरिक में एसिड में कोई भी चेंज नहीं आता है, लेकिन बेसिस में रेड कलर का हो जाता है। कभी भी शर्ट पर अगर हल्दी लग जाए तो उसको जब तेल से वॉश करोगे ना, तो फिर वो जो हल्दी का स्टेन होता है वो रेड कलर का होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सोप होता है वो बेस होता है। और सिंथेटिक इंडिकेटर जो कि लैब में बनाया जाता है, जैसे फिनॉल फिलिन और मिथिल ऑरेंज। इंडिकेटर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि अपना कलर नहीं चेंज करते हैं, अपनी स्मेल चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो टेबल है आपको लर्न होनी चाहिए। देखो अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं एसिड्स की भी और बेसिस की भी, साथ साथ में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैं बता दूं, जितने भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे कि एसिड या बेस किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करेगा तो ज्यादातर सॉल्ट ही बनेगा। तो सॉल्ट तो आपको पक्का से लिख के आना है, ठीक है। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब सॉल्ट और H2 बनाता है, ठीक है। जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब सॉल्ट, वाटर और CO2 बनाता है। जैसे कि यहाँ पे HCl Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो फिर NaCl सोडियम क्लोराइड और CO2 बना रहा है और H2O वाटर बना रहा है। यहाँ पे सॉल्ट क्या है? NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि डेली लाइफ में हम सॉल्ट कंज्यूम करते हैं वो वाला सॉल्ट है। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, यहाँ पे बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सेम ही चीज बनाएगा, सॉल्ट प्लस H2, ठीक है। यहाँ पे जब बेस मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, कुछ भी नई चीज फॉर्म नहीं होती है। चीज आपको अच्छा है कि इसमें आपको केमिकल इक्वेशन नहीं लर्न करना पड़ेगा। चलो, एसिड जब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब सॉल्ट, वाटर और CO2 बनाता है, सेम वही चीज। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? जिसके बीच में हाइड्रोजन जाता है, जिसको हम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो जब ये HCl के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl H2O CO2 बनता है, ठीक है। बेसिस हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि बेसिस कार्बोनेट की कोई भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करते, ना ही मेटल कार्बोनेट और ना ही हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके। जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब यहाँ पे सॉल्ट, वाटर और CO2 नहीं बनता है, सॉल्ट वाटर सिर्फ बनता है। जैसे कि HNO3 जब CaO के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे एक सॉल्ट फॉर्म हो रहा है और H2O बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे बेस जब नॉन मेटल, यहाँ पे मेटलिक ऑक्साइड नहीं है, यहाँ पे नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, जब रिएक्ट करता है आपस में तो सॉल्ट प्लस H2O बनता है। तो अब मैं यहाँ पे बता दूं, जब एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करते हैं ना तब भी सॉल्ट प्लस H2O ही बनता है। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तभी तो देखो इसका बेसिक नेचर होता है, ठीक है, तभी ये सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस भी साथ में जब रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं, अभी आप देखोगे, ठीक है। तो ये आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी पढ़ने वाले हो, उसमें भी पढ़ने वाले हो।
सिमिलरिटीज बिटवीन ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस, कुछ सिमिलरिटीज होती हैं जितनी भी एसिड्स हैं उनके बीच में और कुछ सिमिलरिटीज होती हैं सारे ही बेसिस में. तो जितनी भी एसिड्स होती हैं वो वाटर में जाने के बाद एच प्लस आयन देती हैं. अब देखो एच प्लस आयन ना अकेले नहीं रहता है, वो बहुत ही चंट है, ठीक है. वो क्या करता है, कोई वाटर से रिएक्ट कर जाता है तो फिर एच थ्री ओ प्लस बन जाता है, ऐसे वो रहता है. एच प्लस आयन अकेले नहीं रहता है, ठीक है. अब ऑल बेसिस, बेसिस के बीच में क्या सिमिलरिटीज है, OH माइनस आयन वो वाटर में देते हैं. वाटर में जाने के बाद बेसिस क्या देते हैं, OH माइनस आयन एसिड्स H प्लस आयन, और वो H प्लस आयन हमेशा भी अकेले नहीं रहता है, वो H3O प्लस आयन बना लेता है. यहाँ पे हमें पढ़ना है कि एसिड और बेसिस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है. एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है, और इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है. इसी वजह से मैंने बोला था मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होता है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है. देखो आप जब आप ये याद कर लोगे ना कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, तो आपको ये तीनों रिएक्शन याद करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आप इतना पढ़ने वाले हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि आपको रट जाना है कि सॉल्ट और वाटर बनता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है, ठीक है. जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है तब तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, मतलब क्या कहते हैं उसको, लोहे लोहे को काटता है, ठीक है, और वाटर बन जाता है. और वीक एसिड और वीक बेस रिएक्ट करता है तब भी न्यूट्रल सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है. लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तब एसिडिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे है. स्ट्रॉन्ग एसिड ना वीक को दबा के रखेगा कि तू रुक मैं बनूंगा, तो फिर वो एसिडिक सॉल्ट होगा. अगर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट होगा, मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग वाला बेस है वो वीक एसिड को दबा के रखेगा कि यहाँ पे मैं एक्सप्रेस करूंगा, ठीक है. तो अभी हमने इंडिकेटर पढ़ा था कि वो इंडिकेटर बता देता है कि कोई भी सोल्यूशन एसिड है या फिर बेस है, ठीक है. लेकिन अभी तक जितने भी इंडिकेटर हमने पढ़े हैं वो ये नहीं बताता है कि ये जो सोल्यूशन है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है. हमारे पास एक ऐसा इंडिकेटर है जिसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है. पीएच स्केल जो कहलाती है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो कि ये भी बता देती है कि अगर ये एसिड है तो फिर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर ये बेस है तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है. और इसको हम पीएच स्केल के नाम से जानते हैं, ये एक स्केल टाइप में होता है. अब पीएच का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे जो पी है इसका मतलब होता है पोटेंस. पोटेंस एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर, ठीक है. और यहाँ पे एच है, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन की पावर बताता है. पीएच स्केल में वैल्यू 7 से कम होगी, 7 से कम वैल्यू होगी तब वो सोल्यूशन एसिडिक होगा. जितनी ज्यादा कम वैल्यू होगी उतना ज्यादा एसिडिक सोल्यूशन होगा, और जितनी ज्यादा 7 से ज्यादा होगा, मतलब 14 होगा 15 होगा, उतना ज्यादा वो बेसिक सोल्यूशन होगा. और अगर 7 के इक्वल है तो फिर वो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा. जैसे कि आप वाटर ले सकते हो, वाटर को जब आप टेस्ट करोगे ना तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 7 पर आएगी, क्योंकि वो न्यूट्रल है. जब आप है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एसिड्स होती है और भी बहुत कुछ, उनका पीएच क्या होता है. हम अब पीएच की इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं अपनी एवरीडे लाइफ में. तो सबसे पहले एनिमल से स्टार्ट करते हैं, मतलब हम जैसे ह्यूमन बीइंग्स, तो हमारी जो बॉडी है वो 7.0 से 7.8 के रेंज में वर्क करती है. अगर पीएच थोड़ा सा भी नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है. जैसे कि जब एसिड रेन होती है, एसिड रेन कब होती है, जब रेन का मतलब बारिश का पानी का जो पीएच है वो 5.6 से कम होने लग जाए तब हम उसे एसिड रेन बोलते हैं. वो किसी भी ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर या फिर एनिमल्स के ऊपर पड़ जाती है तो इरिटेशन कॉज कर देती है. और वहीं अगर रिवर, लेक, पॉन्ड, ओशन में चली जाती है तो फिर वहाँ के जो एक्वाटिक लाइफ हैं उनको भी डिस्टर्ब कर देती है, और एक्वाटिक एनिमल्स की उस एसिड रेन की वजह से ही डेथ हो जाती है. प्लांट्स की लाइफ में भी पीएच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जैसे कि सॉइल का पीएच और फर्टिलाइजर का पीएच. जब भी हम किसी प्लांट में फर्टिलाइजर देते हैं तो पहले चेक करना चाहिए हमें कि ये एसिडिक सॉइल पसंद करती है या बेसिक सॉइल या फिर न्यूट्रल सॉइल पसंद करती है. जैसे रोज में हम वुड ऐश का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि उसे एसिडिक सॉइल पसंद है. डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जैसे कि जब HCl हमारे स्टोमक में प्रोड्यूस होती है, जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारे स्टोमक में भी बहुत ज़्यादा HCl प्रोड्यूस होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है. ऐसी सिचुएशन में हमें चाहिए कि हम कुछ बेसिक लें ताकि वो एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल दे दें, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एक माइल्ड बेस है. जब हम डिनर करके ऐसे ही सो जाते हैं बिना टूथब्रश करे तो जब हम सुबह उठते हैं तो टूथ पर हमारे येलो लाइनिंग दिखती है, वो क्या होता है, वो एसिड.
क्योंकि जो बचे हुए खाने हमारे दांतों में फंसे होते हैं उस पर बैक्टीरिया एक्ट अपॉन करता है, एंजाइम रिलीज करता है और वो एंजाइम एसिडिक होता है नेचर में। अब इसमें चाहिए कि हम कुछ माइल्ड बेस लें, तो हम इसीलिए टूथपेस्ट लेते हैं। तो अब हम सेल्फ डिफेंस देखने वाले हैं एनिमल्स और प्लांट्स का। एनिमल्स में देखें तो आपको पता होगा जब ये सारे इंसेक्ट बाइट करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है। क्यों होता है? क्योंकि ये जब बाइट करते हैं तो उनके अंदर होता है मेथनोइक एसिड। अब इसमें हमें चाहिए कि हम कुछ बेस लें, तो इसी वजह से हम टूथपेस्ट लगाते हैं या फिर बेकिंग सोडा लगाते हैं ताकि एसिड बेस मिलकर न्यूट्रल करते। अब प्लांट का केस देखते हैं तो एक नेटल प्लांट होता है, उसकी लीफ हमारे स्किन पर लग जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन कॉज करेगी। लेकिन उसी प्लांट के बगल एक डॉग प्लांट होता है, उसकी लीव जब हम अपने स्किन पर रब करेंगे उसी जगह जहाँ पर नेटल लीव लगी थी तो हमारे स्किन को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। तो अब हम अपने सॉल्ट के टॉपिक पर आ गए हैं। आपको पता है जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तब सॉल्ट फॉर्म होता है। इतने सॉल्ट हमें पढ़ने हैं। यहाँ पे जो कॉस्टिक सोडा है, डेट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये एक सॉल्ट नहीं है, एक बेस है, बट फिर भी इस स्लाइड में हमने लगा दिया है क्योंकि हमें इतनी चीजें हम डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, तो याद रखिएगा मैंने यहाँ पे ब्रैकेट पे भी लिख दिया इस वजह से कि एक बेस है। ठीक है, इन सबके जनरल नेम, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला आपको लर्न होने चाहिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसका केमिकल नेम है। ये उस स्लाइड में ऐड नहीं था पर मैं बता दूं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के लिए, जिसके बिना हमारा जो फूड है वो नहीं बनेगा। यस, ये वही सॉल्ट है जिसे हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं। तो ये बनता तब है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं, तब एक न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होता है। और ये सी वाटर में भी पाया जाता है, रॉक सॉल्ट की तरह भी पाया जाता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं। उन इम्प्योरिटीज़ को हटाकर रॉक सॉल्ट फिर मार्केट में भी आता है और ये रॉ मटेरियल की तरह भी यूज़ होता है कुछ सब्सटेंस को बनाने के लिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। कॉस्टिक सोडा NaOH, जिसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है और वो भी एक अल्कली है। ठीक है, ये एक प्रोसेस के थ्रू बनता है जिस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। NaOH बनाने के लिए हम ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। ब्राइन तो कुछ इस टाइप का सेटअप लिया जाएगा और ब्राइन सॉल्यूशन लिया जाएगा। ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर NaCl तो होता ही है और ये एक सॉल्यूशन है तो वाटर भी रहेगा। इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाई जाएगी तो Na प्लस और Cl माइनस में डिसोशिएट हो जाएगा। Cl माइनस निगेटिवली चार्ज आयन है तो फिर वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और वाटर H प्लस और OH माइनस में डिसोशिएट हो जाएगा। तो Na प्लस और OH माइनस मिलकर NaOH फॉर्म कर देंगे। क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि इसमें बन रहा है एल्कली NaOH और क्लोरीन भी यहाँ से निकल रही है। तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? इसका यूज मेटल्स को डिग्रीज करने के लिए होता है। इसका यूज सोप, पेपर, रेयन, डाइस, प्योर फैट और ऑयल्स बनाने के लिए होता है। इसका यूज बॉक्साइट को प्योर करने के लिए होता है। इसका यूज पेट्रोलियम को रिफाइन करने के लिए भी होता है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट इसका केमिकल नेम है और CaOCl2 इसका फॉर्मूला है। CaOH होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम Cl2 में मिक्स करके हीट करते हैं तब CaOCl2 बनता है, डेट इज अवर ब्लीचिंग पाउडर। पेल येलो कलर का होता है, इसमें क्लोरीन की बहुत ज्यादा स्मेल होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है और ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इसका फॉर्मूला है और इसके लिए इतने रिएक्टेंट चाहिए होते हैं NaCl H2O CO2 NH3। तब जब ये रिएक्ट करते हैं तब NaHCO3 बनता है, डेट इज अवर बेकिंग सोडा। और ये काम में आता है कि ये बेकिंग सोडा बनाता है और एंटा एसिड का इंग्रेडिएंट भी है छोटा सा। अब बेकिंग पाउडर ये कैसे बनाता है बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3 लिया जाता है और कोई भी माइल्ड एडिबल एसिड ली जाती है। माइल्ड एडिबल एसिड मतलब जो ज्यादा ताकतवर नहीं हो और जिसे हम खा सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि टार्टरिक एसिड जो इमली में होती है वो एसिड ली जाती है। फिर इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तब बेकिंग पाउडर रेडी हो जाता है। अब आपने कभी देखा होगा किचन में बेकिंग पाउडर बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, केक्स बनाने के लिए, ढोकला बनाने के लिए। तो उसमें कभी भी आपकी मम्मी यूज करती होंगी तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों डालती होंगी। क्यों? क्योंकि जब बेकिंग सोडा हीट करता है ना तब Na2CO3 बनाता है, CO2 बनाता है, जिसकी वजह से हमारा ढोकला, हमारा केक फ्लफी होता है, इडली फ्लफी होती है, ठीक है, फूलती है और यहाँ पे H2O भी बनता है। अब ये जो Na2CO3 है ना ये टेस्ट में अच्छा नहीं होता है, अगर ये रहेगा तो खाने का पूरा मजा खराब हो जाएगा। तो इसको हटाने के लिए Na2CO3 का जो टेस्ट है उसको हटाने के लिए हम बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं ताकि इसका जो टेस्ट है
वो ना आए। अब बेकिंग पाउडर में ऐसी क्या चीज मिली हुई है कि NH2CO3 का टेस्ट नहीं आएगा? माइल्ड एडिबल एसिड, टार्ट्रिक एसिड हमने मिक्स किया हुआ है, जिसकी वजह से NH2CO3 का टेस्ट नहीं आएगा, जिसकी वजह से हमारा टेस्ट बेकार नहीं होगा। सो आई होप आपको समझ में आया हूँ। वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, आपने देखा था वॉशिंग सोडा का पहले फॉर्मूला देख लो, Na2CO3 × 10H2O, और इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो आपने इतनी चीज देखी थी कि बेकिंग सोडा जब हीट होता है तब बनता है, जिसकी वजह से टेस्ट अच्छा नहीं आता है, राइट? जब उसी का रिक्रिस्टलाइजेशन होता है तब 10H2O ऐड हो जाता है और हमारा ये वॉशिंग सोडा बन जाता है। ग्लास सूप में भी इसका यूज होता है, और कुछ जैसे कि बोराक्स की मैन्युफैक्चरिंग में वॉशिंग सोडा का यूज होता है, और कहीं कहीं का वाटर बहुत ज्यादा हार्ड होता है तो हार्डनेस जो होती है वाटर की, उसको रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज होता है। ये आप हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? तो अभी जैसे हमने पढ़ा है Na2CO3 10H2O, ये क्या है, वॉशिंग सोडा है, एक सॉल्ट है, ठीक है? तो मतलब हमें दिखता है वो कि इसमें पानी नहीं मिला हुआ है, वाटर नहीं है उसमें, लेकिन उसमें वाटर होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो 10H2O, यहाँ पे वाटर है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। तो एक्चुअली में क्या होता है, वो वाटर नहीं होता है, वो जरा सा मॉइस्ट होता है, उसमें नमी होती है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट का CuSO4 5H2O। तो ये जब एकदम सिंपल सा होता है तब ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब इसे हीट किया जाता है तो फिर ये व्हाइट कलर का हो जाता है, और फिर दोबारा से अगर थोड़ी सी पानी की छींटे आप डाल दो इसके ऊपर, ठीक है, तो फिर ये दोबारा से ब्लू कलर में हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि सॉल्ट के अंदर जो सॉल्ट क्रिस्टल होता है वो पूरी तरीके से ड्राई नहीं होता है, उसके अंदर मॉइस्ट होती है, उसके अंदर मॉइस्चर होता है, नमी होती है। अब यहाँ पे जो CuSO4 × 5H2O, इसका मतलब यहाँ पे जो एक फॉर्मूला यूनिट है CuSO4, ये 5H2O से जॉइंट है, ठीक, इस टाइप से, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज मत होना। और ये Na2CO3 जो वॉशिंग सोडा में देखा था, उसकी एक फॉर्मूला यूनिट 10H2O से जॉइंट थी, ठीक है, बॉन्ड बना हुआ था उनके बीच में। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, यहाँ पे हाफ एच टू है, इसका मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन, मतलब कि यहाँ पे मैं बना देती हूँ, तो हाफ एच टू ओ का मतलब यहाँ पे है कि एक एच टू ओ का मॉलिक्यूल, मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल, दो फॉर्मूला यूनिट से ज्वाइंट है। मतलब एक के पास कितना हो गया, फिर आधा हो गया ना, ऐसा नहीं है कि फिर एच टू ओ को आधा कर देंगे, नॉट एट ऑल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि तो वो भी जुड़ा हुआ है इससे और वो भी जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे आधा H2O, हाफ H2O लगेगा। तो यहाँ पे ये जो है ये जिप्सम है, जिप्सम को जब हम हीट करते हैं 373 केल्विन पर, तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और 3H2O बनता है। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट देने के लिए बनता है, टॉयज बनाने के लिए इसका होता है, और सर्फेसेस को स्मूथ करने के लिए भी होता है, और घर के डेकोरेशन में भी बहुत ज्यादा यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर आ गए हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर तो आप में नहीं है, बट यहाँ पे इस टाइप की पीरियोडिक टेबल दिखती है, और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस पीरियोडिक टेबल में रहती है, ठीक है? अब एलिमेंट्स तीन टाइप के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड। इनके अलावा और कोई भी फोर्थ क्लासिफिकेशन नहीं आ सकती एलिमेंट्स की, ठीक है? तो हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को इस चैप्टर में जानेंगे, मेटलॉइड्स हमको खुद ब खुद पता चल जाएगा जैसे जैसे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को पढ़ेंगे। तो इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की, फिर उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो लस्टर, लस्टर मतलब चमक, मेटल्स में चमक होती है, आप आयरन को देख लो, आप गोल्ड को देख लो, सिल्वर को देख लो, एल्युमिनियम को देख लो, कॉपर को देख लो, सब में चमक होती है, ठीक है? तो लस्टर मतलब होता है चमक, शाइन। तो मेटल्स में शाइन होती है, मेटल शाइन करते हैं, नॉन मेटल्स में नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक्सेप्शन इस चैप्टर में बहुत पढ़ना है, यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है, फिर भी उसके पास लस्टर होती है, उसके पास चमक होती है। और आयोडीन की जगह आप वहां पे डायमंड भी लिख सकते हैं, लेकिन डायमंड एक एलिमेंट नहीं है, वो एक सब्सटेंस है। हार्डनेस, मेटल हार्ड होते हैं, यस, मेटल बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, गोल्ड हार्ड होता है, आयरन हार्ड होता है, ठीक है, सब हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम, लिथियम और पोटेशियम ये बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट होते हैं, ये इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि हम इसे इजिली नाइफ से कट कर सकते हैं। और नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक नॉन मेटल है, लेकिन यहाँ पे ये एलिमेंट नहीं है, जैसे कि अभी मैंने बताया डायमंड एक एलिमेंट नहीं है, लेकिन डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है, डायमंड इतना ज्यादा हार्ड होता है कि ग्लास को काटने के वर्क में आता है इंडस्ट्रीज में। स्टेट क्या होती है मेटल्स की, तो मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं, और यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, करी एक ऐसा
मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, और नॉन मेटल सॉलिड होते हैं, गैस होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी मेटल्स को हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होते हैं। आप बोले कि लाओ मैं कार्बन को एक वायर में कन्वर्ट कर दूं, नहीं कार्बन नहीं कन्वर्ट होगा क्योंकि वो एक नॉन मेटल है, वो एक नॉन डक्टाइल एलिमेंट है। ये मेलिबिलिटी वो प्रॉपर्टी है मेटल की कि जब हम उसको बीट करते हैं और वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम मेलिबिलिटी कहते हैं। और मेटल्स मेलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल ये एक शीट ही तो है, राइट, और कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली गुड कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन लेड और मरकरी का जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं। नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी अगेन एक सब्सटेंस है, एलिमेंट नहीं है, और वो कार्बन का सब्सटेंस है। कार्बन नॉन मेटल में आता है, पुअर कंडक्टर है, लेकिन ग्रेफाइट जो कि पेंसिल की निब जो होती है जिससे बनी होती है, वो एक गुड कंडक्टर होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, जो गैलियम होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा लो होता है कि अगर आप उसको हैंड पाम पे रखेंगे वहीं पे वो मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। और नॉन मेटल जो होता है उसकी लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है। सोनोरिटी मतलब उसको अगर आप किसी भी चीज से मार रहे हो, लकड़ी से मार रहे हो या फिर मेटल से मार रहे हो किसी भी चीज से, तो वो आपको साउंड प्रोड्यूस करके देगा। जैसे कि आप घंटी जब बजाते हो तो उसकी कैसे आवाज आती है, वो क्यों आवाज आती है, क्योंकि वो मेटल वहां पे होता है और मेटल सोनोरस होता है, उसके पास सोनोरिटी प्रॉपर्टी होती है, और नॉन मेटल सोनोरस नहीं होता है। ऑक्साइड, जैसे कि पिछले ही चैप्टर में मैंने बताया था कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होती है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होती है। तभी जब एसिड मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, क्यों, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होती है। अब हम मेटल्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। मेटल्स जब बर्न करता है एयर में तब मेटल ऑक्साइड फॉर्म होती है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है जब CU और ऑक्सीजन, यहाँ पे आप बोलोगे ये तो बर्न कर रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन क्यों है, तो जब भी बर्निंग होती है, जब भी कंबशन होता है उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बर्निंग के टाइम पे एक तरीके से यही बोला जा रहा है कि मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। अभी मेटेलिक ऑक्साइड अपने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि बेसिक इन नेचर होती है, लेकिन सारे मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर बेसिक नहीं होता है, कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं जिनका नेचर बेसिक होता है। अब कुछ का एसिडिक नेचर भी होता है और बेसिक नेचर होता है, दोनों ही नेचर होता है, तो फिर वो एम्फोट्रिक ऑक्साइड होते हैं। ये अगर बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तब भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेंगे, और अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तब भी सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म करेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, वाटर से अलग अलग मेटल्स अलग अलग टाइप से रिएक्ट करते हैं। तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं पोटेशियम और सोडियम और कैल्शियम। तो कैल्शियम जब रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ तो ये वाटर के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर जाता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है वो इसके मेटल के ऊपर चिपक जाता है। तो यहाँ पे सारे रिएक्शन लिखे हुए हैं, अगेन केमिस्ट्री रिएक्शन के बिना कुछ नहीं है, सारे रिएक्शन एकदम से मुंह पे रटे होने चाहिए आपके, ठीक है। और फिर हॉट वाटर से रिएक्ट करता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है सेम चीज ये इसके साथ भी होती है, मैग्नीशियम फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस इसके मेटल सरफेस के ऊपर चिपक जाती है। और स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं एल्यूमिनियम, फेरस और जिंक, ठीक है, तो फिर वो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। यहाँ पे अगर इन सारे रिएक्शन को आप ध्यान से देखो तो फिर पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम ये सब जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एल्यूमिनियम और फेरस जब स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब वाटर के साथ, ये भी एक तरीके से रिएक्शन हुआ, तो वाटर के साथ जब ये रिएक्शन कर रहे हैं तो फिर ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। अब यहाँ पे जो लेड है, कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है, वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। अभी आप रिएक्टिव सीरीज में देखने वाले हो, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। मैग्नीशियम जैसे कि आप देख सकते हो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब H2 गैस इवॉल्व होगी, लेकिन जो HNO3 होती है, नाइट्रिक एसिड होती है, वो जब मेटल के साथ रिएक्ट करती है ये एसिड, तब H2 गैस इवॉल्व नहीं होती है बल्कि H2O फॉर्म होता है, क्योंकि HNO3 ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फिर ये H2 को H2O मतलब ऑक्सीजन ऐड कर देता है। जब कोई भी मेटल मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो फिर उसे डिस्प्लेस कर देता है। देखो यहाँ पे
दो मेटल्स रहेंगे, एक तो मेटल ए और दूसरा सॉल्ट में एक मेटल होगा। तो जो सॉल्ट में एक मेटल होगा वो मेटल थोड़ा सा कम ताकतवर होता है, ठीक है, और जो मेटल ए होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा ताकतवर होता है। तो जब ये रिएक्शन होता है तो मेटल बी की जगह मेटल ए ले लेता है। रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले रहा है। अब कौन सा मेटल किसे डिस्प्लेस करेगा ये हम जानेंगे रिएक्टिव सीरीज में। तो ये रिएक्टिव सीरीज कुछ इस तरीके से आपको लर्न करना है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है आगे आओ, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो पोटेशियम है ये ज्यादा ताकतवर है सोडियम से। अभी अगर सोडियम सॉल्ट रहेगा और पोटेशियम अलग रहेगा तब पोटेशियम जो है सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन अगर कहीं पे सोडियम अकेला है और पोटेशियम सॉल्ट है तब सोडियम पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये कम ताकतवर है। वहां पे नो रिएक्शन आपको लिखा। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स, एक मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, इस टर्म को समझने के लिए हम क्लास 9th में जाते हैं और थोड़ा सा वहां का पढ़ के आते हैं। देखो जितनी भी चीजें होती हैं वो सब मैटर होती हैं और मैटर एटम से बना होता है और एटम के अंदर तीन सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अब यहाँ पे इस टाइप का कुछ एटम का स्ट्रक्चर होता है, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जितना उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसके एटम में होंगे। जैसे कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, ठीक है, और 11 ही एटॉमिक नंबर होता है। तो अभी पहले ऑर्बिट में, मतलब ये जो शेल दिख रहा है ना गोल गोल, इसे हम ऑर्बिट बोलते हैं, शेल बोलते हैं, और सबसे बाहर वाले शेल को हम वैलेंस शेल बोलते हैं। तो सबसे पहले वाले मतलब अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं फिल करते हैं, फिर उसके बाहर वाले में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं फिल करते हैं, फिर सबसे लास्ट वाले में आप जितने भी बचे हुए हैं उतने फिल कर दें तो 1 इलेक्ट्रॉन। ये किसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कर रही हूँ, Na का, ठीक है। अब यहाँ पे सभी एलिमेंट चाहते हैं कि सब वो ज्यादा स्टेबल हो। अभी अभी इसी तरीके से आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे क्लोरीन की, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, उसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देख सकते हैं अब, ठीक है। तो अभी सारे एलिमेंट्स चाहते हैं कि मैं स्टेबल बनूं, मैं स्टेबल बनूं, मैं स्टेबल बनूं। अब स्टेबल बनने के लिए क्या चाहिए होगा, जो वैलेंस शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है, सबसे बाहरी वाला शेल है, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तब उसका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाले में तो 1 है, जब 1 वो चला जाएगा तो वो उसके अंदर वाले में तो 8 है ही ना, यस। तो Na या फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इसके लिए आसानी यही होगी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। और दूसरा Cl, Cl, Cl क्या करेगा कि वो 1 इलेक्ट्रॉन Na से ले लेगा क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे, ओके। याद रखिएगा मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, और इसके गेन और लूज करने के बाद Na के ऊपर प्लस का साइन क्यों आता है। देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर होता है वो बराबर होता है, अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन भी रहेंगे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन को दे दिया तो अब ज्यादा किसके चार्जेस बढ़ गए, अब प्रोटॉन ज्यादा हो गया। और प्रोटॉन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज रहता है, इसी वजह से Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो चुके हैं, और क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं गेन करने के बाद। इस तरीके से होता है कुछ आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन, जिसे हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं अपने मोल्टेन स्टेट में। कंपाउंड मोस्टली सॉलिड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होती है, और ये वाटर में सोल्यूबल भी होते हैं, और केरोसिन डीजल जैसे लिक्विड में सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो अब मेटल्स पाए कहाँ जाते हैं, तो मेटल्स अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं ओर्स के फॉर्म में। ओर्स क्या होते हैं, देखो ओर्स में इंप्यूरिटीज भी होती है, मेटल्स भी होते हैं, ठीक है। तो हम कोई एक मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सके उन्हीं मिनरल्स को हम ओर्स बोलते हैं, ठीक है। प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सके इसका मतलब है कि हमें हमारा ज्यादा पैसा भी ना लगे, ठीक है, मशीन्स भी ज्यादा यूज ना हो, लेकिन वो मेटल हमारे पास आ जाए तभी हम ओर्स को निकालते हैं, वरना ऐसे नहीं निकालते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स, अब ओर्स को हम निकालते कैसे हैं, तो इसके 3 स्टेप हैं, देख सकते हैं, एक एक स्टेप करके पढ़ना शुरू करते हैं। इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, जब ओर निकलता है तो उसमें बहुत ज्यादा इंप्यूरिटीज होती हैं, उन इंप्यूरिटीज को हम गैंग पार्टिकल बोलते हैं और इनका बहुत जरूरी है रिमूव होना। तो इनरिचमेंट ऑफ ओर ये जो पहला स्टेप है, इसमें
इम्प्योरिटीज ही रिमूव होती हैं, जिन्हें हम गैंग पार्टिकल बोलते हैं। तो मेटल को ओर से निकालते कैसे हैं? तो इनके लिए अलग अलग मेथड है। जैसे हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हम उन मेटल्स की क्लोराइड्स लेते हैं जिनको हमको एक्सट्रैक्ट करना होता है, रिफाइन करना होता है। जैसे अगर हमें सोडियम को रिफाइन करना है तो हम सोडियम की क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl लेंगे। तो NaCl का कुछ इस टाइप का सेटअप बनता है और इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो NaCl Na+ और Cl- में डिसोशिएट होने शुरू हो जाते हैं। जब ये डिसोशिएट होते हैं, जो कि Na पॉजिटिवली आयन है, तो फिर ये निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, कैथोड की तरफ ये डिपॉजिट हो जाता है। और जब ये कैथोड की तरफ डिपॉजिट हो जाता है तो वहीं पर हमें Na मिल जाता है, Na की रिफाइनिंग हो जाती है। अब Cl- आयन कहाँ जाएगा? तो Cl- आयन एनोड की तरफ जाएगा, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है। अगर हम मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स की बात करें तो मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स दो टाइप के ओर में पाए जाते हैं, कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर की बात की जाए तो इसका हम कैल्सिनेशन करवाते हैं और सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करवाते हैं। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद हमें ऑक्साइड मिलती है मेटल की। यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का। फिर उसके बाद उसी का हम रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन करवाने के बाद हम उसकी एक बार और रिफाइनिंग होती है। लो रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो सल्फाइड ओर में मिलता है, इसकी रोस्टिंग करवाई जाती है, ऑक्साइड बनती है, फिर रिडक्शन करवाया जाता है और फिर रिफाइनिंग करवाई जाती है, जो हम अगली स्लाइड पर समझने वाले हैं। मीडियम रिएक्टिव पढ़ने के बाद आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से जब मेटल की ऑक्साइड ही बन रही है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो, रोस्टिंग जो होती है वो एयर के प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, कैल्सिनेशन एयर के प्रेजेंस में नहीं होती है। तो जो अभी हमको मेटल्स मिले थे वो पूरे प्योर नहीं थे, इसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि रिफाइन करनी है, तो वो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के थ्रू रिफाइन होगी। अब इस टाइप का सेटअप कुछ बनता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड एक एनोड। एनोड जो होता है वो इम्प्योर कॉपर होता है, जो कि हमें प्योर करना है, और जो कैथोड होता है वो पूरा का पूरा प्योर कॉपर होता है, ठीक है। और एक टैंक होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसमें जो सोल्यूशन होता है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। और वो इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया जाता है? जो भी हमें मेटल प्योर करना है उसको साल्ट लेते हैं। जैसे अगर हमें कॉपर प्योर करना है तो कॉपर सल्फेट लेंगे, वो भी एसिडिफाइड सोल्यूशन में, मतलब उसका नेचर थोड़ा सा एसिड होना चाहिए, ठीक है। तो कैथोड में है प्योर कॉपर, एनोड में है इम्प्योर कॉपर, और सोल्यूशन है CuSO4 का, वो भी एसिडिफाइड। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो एनोड से प्योर कॉपर निकलकर कैथोड पर डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो कैथोड पर डिपॉजिटेड हमें कॉपर मिल जाएगा। कोरोजन, देखो कुछ मेटल्स होते हैं जब उन्हें मॉइस्ट एयर में एक्सपोज किया जाता है तो उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है, उसी लेयर को हम कोरोजन बोलते हैं। जैसे सिल्वर ब्लैक हो जाता है जब एयर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है, मतलब उसमें थोड़ा सा ना वाटर भी प्रेजेंट होता है। अब वो लेयर किसकी होती है? वो सल्फाइड की लेयर होती है, सिल्वर सल्फाइड की लेयर आ जाती है। कॉपर के ऊपर ग्रीन कोट आ जाता है और वो कोट कॉपर कार्बोनेट का होता है। आयरन के ऊपर ब्राउन कोट आ जाता है, जिसे हम रस्ट बोलते हैं, ठीक है, और ये फेरस ऑक्साइड होता है। मेटल्स को कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए हम मेटल्स के ऊपर पेंटिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ग्रीजिंग करते हैं, और हम क्रोम प्लेटिंग भी कर सकते हैं। मतलब मेटल्स के ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग कर दी जाती है, एक कोट क्रोमियम का दे दिया जाता है। गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, ये मोस्टली आयरन में होता है, और आयरन में क्या होता है कि जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, तो फिर वो प्रोडक्ट गैल्वेनाइज हो जाता है। और ये इतना अच्छा कोरोजन प्रिवेंशन है कि जब आयरन टूट भी जाता है तब भी उसके अंदर रस्ट नहीं लग सकता है, और हम मेटल्स के एलॉय बना सकते हैं। एलॉयज क्या है? जब दो मेटल्स या मेटल नॉन मेटल मिलकर एक सब्सटेंस बना रहे हैं जिसमें कोरोजन नहीं लगता है, जैसे कि स्टील में कोरोजन नहीं लगता है। स्टील किससे बनता है? आयरन, निकिल और क्रोमियम से बनता है। ब्रास, कॉपर और जिंक से बनता है। ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन से बनता है। सोल्डर, लेड और टिन से बनता है। और जो अमलगम होता है, उसमें अगर एक मेटल मरकरी है तब हम उसे अमलगम बोलेंगे, और ये डेंटिस्ट बहुत ज्यादा यूज करते हैं। देखो, अब हम अपने लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं, कार्बन एडिड कंपाउंड। देखो, जो कार्बन एडिड कंपाउंड है, मतलब कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कार्बन के अंदर ऐसा है क्या कि इसकी एक अलग से ब्रांच बनाई गई केमिस्ट्री। सबसे पहले तो इसकी हम न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके ये तो बहुत इजी हो जाएगा आपको लर्न करना। न्यूट्रॉन्स भी 6 होते हैं, प्रोटॉन्स भी 6 होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होते हैं। मास नंबर 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है। तो यहाँ पे इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है।
तो इससे हमें पता चलता है कि अगर कार्बन को स्टेबल बनना है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने हैं, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत होगी। तो ऐसे में वो क्या करेगा स्टेबल बनने के लिए, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो उसके आउटर मोस्ट शेल में है किसी को दे दे, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट शेल में किसी से ले ले। तो देखो, कार्बन किसी से इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो उसके एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और उसके एटम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन्स होते हैं, तो वो जो 6 प्रोटॉन हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उन 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करना, ठीक है, क्योंकि वो प्लस माइनस अट्रैक्ट होते हैं तो एक स्टेबिलिटी एटम में बनी रहती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से कार्बन किसी से इलेक्ट्रॉन लेना प्रेफर नहीं करता है। अब आई इलेक्ट्रॉन्स देने की बात, तो कार्बन किसी को वो 4 इलेक्ट्रॉन देते भी नहीं है, क्योंकि उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, इतनी एनर्जी हम नहीं ला सकते हैं। तो अब ऐसे में कार्बन करेगा क्या, तो कार्बन करेगा शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड को हम एल्केन बोलते हैं और इसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, ठीक है। अब देखो, सिंगल बॉन्ड में होता क्या है कि इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर होता है, इसका मतलब है कि एक वैलेंसी पूरी हो रही है कार्बन की, और डबल बॉन्ड में 2 और ट्रिपल बॉन्ड में 3 वैलेंसी पूरी होती है। देखो, यहाँ पर एक बात याद रखना कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है शेयर करने के लिए। अगर हमें कार्बन के कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बनाना है तो हम क्या करेंगे, पहले ना आप बॉन्ड बनाना सीखना। जब भी आप स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर के लिए भी क्वेश्चन आते हैं, आपको नेम दे दिया जाएगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। पहले आप क्या करना, इस टाइप का बॉन्ड बना लेना। तो यहाँ पे देखो, कार्बन की 2 वैलेंसी पहले से ही है, यहाँ पे आपको 2 सिर्फ लिखना है, तो 4 वैलेंसी होगी। यहाँ पे कार्बन की 3 वैलेंसी पहले से पूरी है, 1, 2, 3, यहाँ पे आपको क्या लगाना है, H लगाना है। अब 4 वैलेंसी पूरी हो गई। अब यहाँ पे कार्बन की 1 वैलेंसी पहले से ही है, 3 आपको H लगाना है। तो यहाँ पे आपका ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ही सही बना है। अब हम ये जो फॉर्मूला है ना, CnH2n+2, एन को अगर हम मान लेते हैं चलो 2, ठीक, तो C2H2 × 2 + 2, C2H2 × 2 = 4 + 2 C2H6, इस टाइप का आपका एल्कीन का फॉर्मूला बनेगा। अब C2H6 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पहले आपको C2 बनाना है, मतलब 2 कार्बन बनाने हैं और 6 H के बॉन्ड बना देने हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, ठीक है, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसे ही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका फॉर्मूला भी लर्न कर लेना कि एल्केन का क्या होता है, एल्कीन का क्या होता है और एल्काइन का क्या होता है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, जैसे अभी आपको 2 की टेबल पढ़ू, 2, 4, 6, सब में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। 3 की टेबल पढ़ोगे तो 3 का डिफरेंस रहेगा, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, ठीक है। तो उसी तरीके से होमोलोगस सीरीज होती है जिसमें CH2 का डिफरेंस होता है, ठीक है, CH2 का डिफरेंस। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो CH2 का डिफरेंस होता है, उसी को हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। जैसे कि ये जो सीरीज है, ये होमोलोगस सीरीज की एग्जाम्पल है। टेट्राकोवेलेंसी मतलब कि ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और टेट्रावेलेंसी मतलब इसकी वैलेंसी 4 होती है, ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। और कैटिनेशन क्या है, ये अपने ही साथ बहुत ज्यादा बॉन्डिंग, मतलब इतनी ज्यादा जितनी हम सोच भी नहीं सकते उतनी ज्यादा बॉन्ड बनाते चले जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी टेट्रा कोवेलेंसी होती है, यही खास बात है इसकी, ठीक है। पॉलीमराइजेशन मतलब ये मोनोमर्स जुड़ के ना पॉलीमर्स बना देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप, इथीन है, ये मोनोमर्स है, ये जब जुड़ते हैं तो पॉलीथीन बना देते हैं, ठीक है। और आइसोमेरिज्म भी हमें कार्बन में देखने को मिलता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो उतना ही है जितने कार्बन इसमें उतने कार्बन इसमें भी है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन की हमशक्ल, बहुत ही अच्छे से हम बात करें तो ग्राफाइट जो नोक होती है, जो निब होती है पेंसिल की, वो कार्बन होता है, डायमंड भी कार्बन होता है, ठीक है, फ्लोरीन भी कार्बन ही होता है। तो अब हम अपने IUPAC में आ जाते हैं, नॉमेनक्लेचर में आ जाते हैं, तो आपको फंक्शनल ग्रुप याद रखने हैं, उनके प्रेफिक्स और उनके सफिक्स याद रखने हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH, जिसका प्रेफिक्स कार्बोक्सी होता है और सफिक्स ओइक एसिड होता है, देखो। तो यहाँ पे आप सबका लर्न कर लीजिए, अब चले आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे हम प्यार से आईयूपीएससी बोलते हैं। यस, तो अब हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। फंक्शनल ग्रुप आप सारे पढ़ के आ चुके हो, अभी मैंने बताया था इनका सफिक्स प्रीफिक्स आपको लर्न होना चाहिए। और ये काउंटिंग जो नोमेनक्लेचर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक कार्बन हो तब हम उसे मेथ बोलते हैं, दो हो तो एथ, फिर ऐसे ही मेथ, एथ, प्रोब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, डॉन, डेक तक, टेन तक होगा। टेन के आगे क्वेश्चन मोस्टली नहीं आते हैं। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के नॉमनक्लेचर में सबसे पहले हमें पेरेंट कार्बन चेन ढूंढनी होती है, मतलब एक लंबी सी कार्बन चेन, ठीक है। उसके बाद हम उसकी नंबरिंग करते हैं और उसकी नेमिंग करते हैं। नंबरिंग और नेमिंग हम कैसे करते हैं अभी हम सीखेंगे। पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ। तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ना ही हैलोजन्स हैं, जिसकी वजह से हम काउंटिंग इधर से या उधर से शुरू करें। तो हमारा मन, हम चाहे जहां से स्टार्टिंग कर सकते हैं। वन, टू, थ्री। अब यहाँ पे थ्री कार्बन है, राइट। थ्री कार्बन को क्या बोलते हैं, वाली लिस्ट अपनी देखो, तो मैथ है तो प्रॉप, प्रॉप बोलते हैं। तो आप सबसे पहले प्रॉप लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड बेसिकली यही होता है कि कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, यही रूट वर्ड होता है। अब ये जो फर्स्ट डिग्री सफिक्स है, फर्स्ट डिग्री सफिक्स का मतलब है उसमें बॉन्ड कौन सा लगा हुआ है, एन लगा हुआ है, इन लगा हुआ है या आइन लगा हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोपेन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी काउंटिंग करेंगे, वन, टू। बिल्कुल भी ऐसे हमको काउंटिंग नहीं करनी है, हमको काउंटिंग इधर से स्टार्ट करनी है जहां से डबल बॉन्ड है, क्योंकि कभी भी डबल बॉन्ड जहां से हो, कहीं पे भी हैलोजन्स हो या फिर कहीं पर कोई फंक्शनल ग्रुप हो जैसे ओइक एसिड, अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा हो कि सबके सब एक ही में आ जाए तब हम क्या करेंगे, तब हम प्रायोरिटीज देखेंगे, जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वहीं से हम ज्यादा वहीं से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहां से वन, टू, थ्री, फोर। फोर को हम ब्यूट कहते हैं, मेथड प्रॉप ब्यूट, तो ब्यूट यहाँ पे लिखेंगे। अब हमारा सिंगल बॉन्ड नहीं है, हमारा डबल बॉन्ड भी है, तो यहाँ पे किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर नॉमेनक्लेचर आता है तब उसको पोजीशन भी उसकी लिखनी होती है। तो यहाँ पे वन पोजीशन पे है, वन लिख देंगे, और क्या है, डबल बॉन्ड है तो ब्यूटी, ओके। अब इसकी देखिए, तो यहाँ पे से काउंटिंग स्टार्ट होगी क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, वन, टू, थ्री, फोर, फिर से फोर, तो ब्यूट लिखेंगे, हमारा रूट वर्ड ब्यूट हो जाएगा। और फिर कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो यहाँ पे वन आइन हम लिख देंगे। तो यहाँ पे ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा। इसका नॉमनक्लेचर कैसे होगा, फर्स्ट पहले हमको कार्बन की लॉन्ग चेन फाइंड करनी है, तो लॉन्ग चेन ये है, और दूसरी बात की इसकी नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग हम चाहे जहां से करें, ब्रोमीन जो है, ये जो ब्रोमो है वो टू पर ही आएगा, तो आप यहां से करें फिर भी टू नंबर आएगा, वहीं से करें तब भी टू नंबर आएगा, आपकी मर्जी, ठीक है। तो वन, टू, थ्री अब हम कर चुके हैं, तो अब हम रूट वर्ड लिखने वाले हैं, नहीं, यहाँ ब्रोमीन या कोई भी हैलोजन, ठीक है, कोई भी हैलोजन सेकंड डिग्री प्रीफिक्स में आता है, तो हमें पहले ये लिखना है सेकंड डिग्री प्रीफिक्स, जिसे हम ब्रोमो लिखेंगे। तो ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे है, टू पोजीशन पे, तो लिखेंगे टू ब्रोमो, फिर कितने कार्बन है, रूट वर्ड, रूट वर्ड हम लिखेंगे मेथ एथ प्रॉप, मेथ एथ प्रॉप, हाँ, फिर प्रॉप के बाद हम सिंगल बॉन्ड है, तो फिर फर्स्ट डिग्री सफिक्स एन लगा देंगे। अब इसकी काउंटिंग करेंगे, अगेन हमें सिर्फ कार्बन की काउंटिंग करनी है, हमें कोई और एलिमेंट की काउंटिंग नहीं करनी है। तो वन, टू, थ्री, फोर, तो यहाँ पे अब दो दो सेकंड डिग्री प्रीफिक्स है, मतलब दो दो हैलोजन्स है, ब्रोमीन भी है और क्लोरीन भी है, तो यहाँ पे बी पहले आता है या सी पहले आता है, ए बी, बी पहले आ रहा है, राइट, तो हम पहले ब्रोमीन को लिखेंगे, टू ब्रोमो। अब आप बोलोगे कि हम नॉमेनक्लेचर में ब्रोमीन को ब्रोमो क्यों बोल रहे हैं, नॉमेनक्लेचर में ब्रोमीन को ब्रोमो, क्लोरीन के क्लोरो और फ्लोरीन को फ्लोरो बोला जाता है, कोई भी हैलोजन हो, ठीक है, टू ब्रोमो, फिर उसके बाद कॉमा करके टू क्लोरो हम लिखेंगे, फिर कॉमा करके जितने भी रूट वर्ड, मतलब कि हमारे कार्बन है, ब्यूट कार्बन है, फोर कार्बन है, तो ब्यूट लिखेंगे, और फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, ठीक है। अल्काइल पर क्वेश्चन कर लेते हैं, अल्काइल क्या होता है, जैसे ये देखो CH4, ये क्या है, इसके आप एक यहाँ पे एक कार्बन है तो मेथ, और सिंगल बॉन्ड टाइप का कुछ स्ट्रक्चर मीथेन का बनेगा, ठीक है, तो इसमें कितने कार्बन है, वन है, तो वन को क्या बोलते हैं, मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसे बोलते हैं मेथेन। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में से हम अगर एक हाइड्रोजन को हटा दें और जो कुछ बचे, मतलब CH3 बचेगा, उसी को हम अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। अब इसमें मीथेन की जगह मीथेन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मीथेन की जगह हम मिथाइल कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही इथेन में भी होता है, इथेन का हम एक हाइड्रोजन हटा के इथाइल बना देते हैं, ठीक है, प्रोपेन को हम प्रोपाइल बना देते हैं, तो इस टाइप से जो सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स होता है वो अल्काइल और हैलोजन्स आते हैं। करना है तो हम कैसे करेंगे, वन, टू, थ्री, फोर, फोर है तो हम लिखेंगे फोर, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन है और अल्काइल ग्रुप है, तो सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स हम पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे बी पहले आता है, तो हम टू ब्रोमो लिखेंगे, फिर उसके बाद हम थ्री मेथिल लिखेंगे, फिर उसके बाद हम रूट वर्ड लिखेंगे, मतलब कि फोर कार्बन है तो ब्यूट लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, हो गया हमारा। अब सेकंड डिग्री प्रीफिक्स कब यूज होता है, ये बच्चा यूज होता है जब फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, तो भाई हम अब फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं,
इसको हम कैसे करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम फिर काउंटिंग करेंगे सिर्फ कार्बन की। तो यहाँ पे अब कोई भी प्रिफिक्स नहीं है, डायरेक्ट हमें रूट वर्ड लगाना है, तो हम लिखेंगे प्रॉप और फिर एन लिखेंगे। और यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप भी है अल्कोहल, अल्कोहल का सफिक्स होता है ऑल, तो यहाँ पे यही सेकंड डिग्री सफिक्स होता है। कोई भी हम फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज करते हैं तो उसे सेकंड डिग्री सफिक्स बोलते हैं, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे आप वन भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि जब आप कोई भी पोजिशन ना लिखे, कोई भी नंबरिंग ना लिखे आगे फंक्शनल ग्रुप के, तो इसका मतलब होता है कि वो वन पोजिशन पे ही है, फर्स्ट पोजिशन पर ही है। एल्डिहाइड का भी कार्बन काउंट होगा क्योंकि एल्डिहाइड में एक कार्बन होता है, तो यहाँ पे प्रॉप हो जाएगा। और एल्डिहाइड का जो प्रॉप हमने रूट वर्ड लिख दिया प्रॉप, अब फर्स्ट डिग्री सफिक्स लिखेंगे एन जो कि सिंगल बॉन्ड है, और फिर सीएचओ लिख देंगे। सीएचओ का जो सेकंड डिग्री सफिक्स होगा वो हम लिखेंगे प्रोपेनल। ये वन पोजीशन पे, तो वन लिखना चाहे या ना लिखना चाहे आपकी मर्जी है। टेन पहले हम लिखेंगे, अच्छा अच्छा फिर ओइक एसिड। तो अब यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। कीटोन ग्रुप को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, मतलब ये जो ओ है इसको हम डबल बॉन्ड करके यहाँ पे भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप चाहे जहां बनाए। ठीक है, और क्वेश्चन में भी कोई डिपेंड नहीं करता है कि ऐसा ही आए, वो ऐसा भी आ सकता है। तो पहले हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, फिर 3 है तो यहाँ पे कोई प्रिफिक्स नहीं है राइट, तो हम रूट वर्ड डायरेक्ट प्रोप से स्टार्ट करेंगे। प्रोप एन, फिर क्या होता है कीटोन का ओन होता है प्रोपेनोन वन, सॉरी प्रोपेनोन टू है, तो ये 2 पर प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पर 2 प्रोपेनोन लिखें या फिर ओन करके यहाँ पे लिख दें, इट्स योर चॉइस। कैसा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। अब देखो जो पहले आता है ब्रोमो पहले आता है राइट, तो 2 ब्रोमो लिखेंगे, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो। अब क्या करें भाई, अब तो OH भी है और ओइक एसिड भी है, तो ओइक एसिड सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, इसका प्रीफिक्स कभी यूज ही नहीं होता है। ठीक है, इसका प्रीफिक्स कभी भी नहीं यूज होता है, हम प्रीफिक्स यूज ही तब करते हैं जब कोई बहुत ज्यादा ताकतवर फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो दूसरे फंक्शनल ग्रुप का हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर हाइड्रोक्सी यूज करेंगे, अल्कोहल का प्रीफिक्स यूज करेंगे, तो अल्कोहल कौन सी पोजिशन पे, 4 पोजिशन पे है, 4 हाइड्रोक्सी रूट वर्ड मतलब जितने कार्बन है, तो पेंट 5 कार्बन है, फिर उसके बाद फर्स्ट डिग्री सफिक्स एन लगाएंगे, और फिर सेकंड डिग्री सफिक्स जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स ओइक एसिड लगाएंगे। आप वन भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने पहले बोला था। तो अब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की। तो जब कंबशन होता है तब CO2 तो जरूर फॉर्म होता है, कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है अगर उसका कंबशन हो रहा है तो CO2 निकलना ही निकलना है। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है इथिल अल्कोहल का, एल्कलीन कैमेनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं और हीट कर रहे हैं, तो CH3COOH बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लर्न कर लीजिएगा। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, इथीन इस टाइप की होती है, इसका अगर सोचो ये डबल बॉन्ड हट जाए तो इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड है, 1 2 3, तो अभी एक बॉन्ड हमको लगाना है राइट, तो हम यहाँ पे लगा देंगे, सिंपल सी बात है। तो वही चीज हमें इसमें करनी है। निकिल कैटलिस्ट होता है, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होता है वो हट जाता है और इसकी जगह पे एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ जाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है हम अगली स्लाइड में सही वाला पढ़ने वाले हैं, मैं इसको इरेज करना भूल गई थी। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मीथेन लिया जाता है, उसे सनलाइट में रखा जाता है और उसमें क्लोरीन ऐड की जाती है, फिर CH3Cl बनता है और फिर से यही प्रोसेस होता है, फिर CH2Cl2 बनता है, फिर से यही प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस तब तक होता है जब तक CCl4 ना बन जाए। इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है भाई, अल्कोहल होता है, ठीक है जो वाइन में भी थोड़ा बहुत प्रेजेंस होता है, ये न्यूट्रल होता है। अब हम इसके कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। जब अल्कोहल हॉट कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट करता है तब इथीन फॉर्म होता है और H2O बनता है, और Na जब C2H5OH मतलब अल्कोहल से इथेनॉल से रिएक्ट करता है तब सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म होता है और H2 गैस निकलती है। इथेनोइक एसिड पढ़ लेते हैं जिसे हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ये एसिड है तो एसिडिक होगी ही और ये विनेगर में पाई जाती है। तो जब CH3COH का रिएक्शन होता है अल्कोहल के साथ इथेनॉल के साथ तब ये ईस्टर बनता है और इस प्रोसेस को हम इस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। H3COOH Na2CO3 के साथ जब रिएक्शन होता है तो CH3COONa बनता है प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। सेम चीज बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट होता है वही बनता है, ठीक है। और ये हमने पढ़ा था जब एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, तो वही चीज यहाँ पर भी दिख रही है राइट। CH3COOH NaOH के साथ जब रिएक्ट करती है तब भी वही बनता है और प्लस H2O बनता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है। क्योंकि ये एक एसिड और बेस का रिएक्शन है तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, CO2 नहीं बनेगा। CO2 तभी बनता है जब एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। अब सोप और डिटर्जेंट में हम
डिफरेंस देख लेते हैं। सूप जो होता है वो सॉफ्ट वाटर में ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। अब सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या है? हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट मिक्स होते हैं और सॉफ्ट वाटर में कोई भी सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होता है। तो डिटर्जेंट हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर सब में अच्छे से काम करता है। सूप जो होता है वो सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं, फैटी एसिड के, ठीक है। और जो डिटर्जेंट होते हैं वो सोडियम एल्काइल सल्फोनेट्स होते हैं या फिर सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। सोप जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है, गल सकता है। और जो डिटर्जेंट होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तो गलने में बहुत ज्यादा साल लग जाते हैं। सोप या फिर डिटर्जेंट का क्लिनजिंग एक्शन क्या होता है, मतलब कोई भी डर्ट है तो उसके ऊपर सोप कैसे एक्ट करता है? तो सोप के दो पार्ट होते हैं, हेड और टेल। हेड जो होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है, मतलब वाटर लविंग होती है। फिलिक मतलब होता है लव, ठीक है, तो वाटर लविंग होती है। और वहीं हाइड्रोफोबिक की बात करें तो फिर वाटर हेटिंग होती है, वाटर फोबिक होती है, जिसको पानी से डर लगता है। तो जब यहाँ पे समझ लो कि ये कोई एक डर्ट है, गंदगी है, ठीक है, यहाँ पर आया सोप, और सोप के लिए जाहिर सी बात है सफाई के लिए मैं वाटर तो लेना ही पड़ेगा, तो जितने भी हाइड्रोफिलिक वाला एंड है वो इसके पास आ जाएगा, ठीक है, ताकि इसको पानी मिले, और जितने भी नहीं हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है वो पीछे की तरफ चला जाएगा, और ये सभी मिलके उस डर्ट को उठा लेंगे और फिर उधरी से हमारा सफाई हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से सोप वर्क करता है, और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसे हम मिसल बोलते हैं। हाँ, मेरी लास्ट बात यह है कि अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो ना, तो कार्बन की तरह आपके पास इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, लेकिन मेरी इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ।